छत्तीसगढ़ में गाय गोबर राम और रामायण के बाद पुरखों के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने आदिवासी सम्मान के नाम पर पुरखोती यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की इस नई यात्रा पर कांग्रेस ने तंज कसा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 साल में रमन की बीजेपी सरकार में सिर्फ दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ही याद करती थी। छत्तीसगढ़ के पुरखों और छत्तीसगढ़ के महान जननायकों को भुला दिया गया था। भाजपा को छत्तीसगढ़ के पुरखों की चिंता नहीं बल्कि भाजपा के खिसकते जनाधार की चिंता है। अगर 15 साल में रमन सरकार के दौरान हमारे पुरखों को याद किया जाता और महापुरुषों का सम्मान होता तो बीजेपी 15 सीटों पर नहीं सिमटती। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास के हमारे पुरखों के सपने को साकार किया और छत्तीसगढ़ के महापुरुषों का सम्मान किया। 15 साल के रमन भाजपा शासन काल के दौरान भाजपा सिर्फ दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करती थी। छत्तीसगढ़ के हमारे पुरखों को, छत्तीसगढ़ के महान विभूतियों को, छत्तीसगढ़ के महान जननायकों को भुला दिया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार जब हमारे पुरखों के बताए मार्ग पर चलकर छत्तीसगढ़ के विकास की, हमारे पुरखों के सपनों को साकार किया और छत्तीसगढ़ के महान विभूतियों का सम्मान किया, तब भाजपा को पुरखों की याद आई। असल में भाजपा को छत्तीसगढ़ के पुरखों की चिंता नहीं है बल्कि भाजपा की खिसकती जनाधार की चिंता है।